नाउ मॉडलिटीज ऑफ पार्टीशन, जब कमीशन अपॉइंट किए गए ब्रिटिशर्स ने कैसे इंडिया का पार्टीशन करना, कौन कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा, कहाँ से इनकी बॉर्डर्स डिसाइड की जाएगी कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान का है, कौन कौन से स्टेट्स पाकिस्तान में जाएंगे, तो इसकी जो पूरी जो जिम्मेदारी थी वो उस कमीशन में जो जिसके मतलब वर्क था कि जिसमें इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड करना, उनके जो हेड थे, चेयरमैन थे, वो सायरल रेडक्लिफ थे। रेडक्लिफ को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखना पड़ेगी कैसे हम इनको डिवाइड करेंगे, पर लेकिन ऑन 18 अगस्त 1947 रेडक्लिफ ने डिसीजन लिया कैसे हम इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड करेंगे, जिसमें उन्होंने बंगाल और पंजाब के जो दो पोर्शन थे उनमें सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थे, तो उनको कैसे डिवाइड किया जाए। तो उन्होंने ये उनमें वेस्ट पंजाब जो था वो पूरा पाकिस्तान वाला हिस्सा, जो वेस्ट पंजाब में पूरा हिस्सा आ जाता है, जिसमें बलूचिस्तान हो गया, सिलहट हो गया, सिंध हो गया, ये सब पाकिस्तान प्रोविंसेस में शिफ्ट किया, और वहाँ के पीपल्स भी जो थे वो भी राजी थे कि पाकिस्तान में आने के लिए। दैन जो बंगाल था, तो बंगाल को याद हो, बंगाल का पार्टीशन ब्रिटिशर्स ने बहुत पहले कर दिया था, जिसमें दो हिस्सों में बंगाल को डिवाइड किया था, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में मेजोरिटी जो थी वो मुस्लिम पीपल्स की थी, तो बंगाल का वाला हिस्सा इंडिया से अलग कर दिया था, जिसको इनिशियल ईयर्स में ईस्ट पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता, बट आज के मॉडर्न टाइम में उसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ओके, देन कम्स द मर्जर ऑफ स्टेट्स। मर्जर ऑफ स्टेट्स जो टॉपिक है वो इसलिए यहाँ पढ़ाया जा रहा है कि जब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस भारत जो था वो 543 प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था। अब ये जो प्रिंसली स्टेट्स हम बहुत पहले जान चुके हैं, जब हम चैप्टर नंबर 12 कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ रहे थे, तब हमने ये जाना था प्रिंसली स्टेट ऐसे स्टेट्स जहाँ के जो रूलर्स थे वो तो एक इंडियन से, बट वो देवर मतलब उनको जो एक्चुअल कंट्रोल ब्रिटिशर्स कर रहे थे, बट उनको पर्टिकुलर एरिया के एक्चुअल रूलर्स कोई इंडियन नेटिव ही था कि जो उन पर राज कर रहा था, बट अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ऐसे रूलर्स को ब्रिटिशर्स ने ये ऑर्डर दिया कि आपकी मर्जी है, अगर आप इन स्टेट्स में जो इंडिया का जो हमने इंडिपेंडेंट किया, आप इन स्टेट्स से जुड़ना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, बिल्कुल आप यू आर इंडिपेंडेंट। अगर आप अपना खुद का अलग स्टेट बना के, खुद की एक अलग किंगडम बना के रहना चाहते हैं, तो भी आप दैट इज़ पॉसिबल। और अगर आप इन स्टेट्स में मर्ज होना चाहते हैं, मतलब इंडियन स्टेट में मर्ज होना चाहते हैं, तो उसमें भी आप मर्ज हो सकते हैं। उस समय 543 प्रिंसली स्टेट्स थे एट प्रेजेंट, जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी, और इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज करने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। ओके, और उन्हें जितने भी जो नेटिव रूलर्स थे, जो कि प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स थे, उनसे अपील करी कि हाँ हमें इंडिया में एक होने की रिक्वायरमेंट है, जो इंडियन स्टेट है उसमें हमें एक होने की रिक्वायरमेंट है, इससे सबका वेलफेयर होगा, भलाई भी, सभी एक साथ प्रॉस्परस होंगे, डेवलपमेंट की राह पर चलेंगे, अदरवाइज इन कमिंग ईयर्स फिर कोई अदर कंट्रीज हम पे अटैक करके वापस से हमें गुलाम बना सकते हैं। ओके, तो उस समय 15 अगस्त ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स जो कि रेडी हो चुके थे कि हम इंडिया में सम्मिलित हो जाएंगे, बट लेकिन ऐसे बहुत से अदर प्रिंसली स्टेट्स जैसे कि जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, भोपाल हो गया, कश्मीर हो गए, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की थी। ये लोग एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट्स रहना चाहते थे या इंडिया में मर्ज होना नहीं चाहते थे, हालांकि आफ्टर द यूनियन, हालांकि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने का, इंडिया के प्रेशराइज करने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, बट लेकिन ये 3 से 4 जो प्रोविंस प्रिंसली स्टेट्स थे ये इंडिया में फाइनली मर्ज हो चुके थे। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम जो क्रिएट होती थी जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल, कश्मीर, तो इसमें जैसे जूनागढ़ का हम इंसिडेंट लेते, वहाँ के पीपल्स चाहते थे कि हम इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स में मर्ज हो जाए, बट लेकिन वहाँ के जो नवाब थे वो नहीं चाहते थे, बट लेकिन सिंस वहाँ की जो प्रजा थी, जो वहाँ के पीपल्स थे वो चाहते थे, इस वजह से वहाँ के नवाब को भी फाइनली मानना पड़ा। इसके बाद जूनागढ़ जो था इंडियन यूनियन में मर्ज कर लिया गया। फिर हैदराबाद की बात आती है, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद वो भी नहीं चाहते थे कि इंडियन यूनियन में मर्ज हो। फिर उसके बाद में स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं जो आर्मी थी हैदराबाद की, हम राजकर्स की, उनको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने सरेंडर करना पड़ा। मीन्स कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते बलपूर्वक हमने जो निज़ाम था हैदराबाद, जो प्रिंसली स्टेट जो था हैदराबाद था, उसको इंडिया में मर्ज किया था, जो वहाँ के जो नवाब्स थे वो नहीं चाह रहे थे मर्ज होना, और उन्हें कहीं ना कहीं जंग तक की बात चली गई थी, बट लेकिन ड्यू टू द स्ट्रिक्टनेस टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट की वजह से फाइनली जो वहाँ की सेना थी उनको इंडिया के सामने सरेंडर करना पड़ा। एज अ रिजल्ट वो जो हैदराबाद जो पोर्शन है वो भी इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। देन कम्स द भोपाल।
द नवाब ऑफ भोपाल भी मर्ज होना नहीं चाहते थे, बट लेकिन जब उन्होंने देखा कि दैट ऑल ऑफ द अदर प्रिंसेस स्टेट्स आर मर्जिंग एंड जो वो जो मतलब मर्ज हुए, पर लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा समय लगा, मीन्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मर्ज नहीं हुए थे इमीडिएटली, इट टेक ऑलमोस्ट 2 ईयर्स 1949 में जो नवाब भोपाल थे वो माने कि हमें वापस मतलब इंडिया में मर्ज हो जाना चाहिए। दिस में भी रिजल्ट कि जैसे लाइक इंडियंस वर डूइंग जैसे लाइक हैदराबाद के नवाब्स को प्रेशराइज करके इंडियन टेरिटरी में लिया गया, तो वैसे ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने भी भोपाल के जो नवाब्स उनको प्रेशराइज करके 1949 तक मनाया और उनको इंडिया में मर्ज किया। देन कम्स द कश्मीर जो वाला जो पोर्शन है वहाँ पर भी काफ़ी सारे विवाद हुआ कि नहीं दे डिड नॉट वॉन्टेड टू मर्ज इन इंडिया। तो वहाँ की मैं आपको स्टोरी सुना चुका हूँ कि इस कश्मीर में क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्योंकि जो वहाँ के जो राजा थे वो एक हिंदू कम्युनिटी के थे, वहाँ के जो राजा थे वो हिंदू कम्युनिटी के थे, बट वेयरएज जो वहाँ के जो पीपल्स थे वो बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी थे। इस वजह से जो वहाँ के जो राजा थे वो ये नहीं चाहते थे कि दैट सिंस एक हिंदू राजा है तो उन्होंने एक इंडिया में वो हो चुके हैं, मीन्स इंडिया में उन्होंने इंडिया को एज एन कंट्री या इंडिया के साथ वो मर्ज हो गए हैं, तो इस वजह से वो नहीं चाहते वो किसी भी कंट्री में, पाकिस्तान वाज ऑल्सो फोर्सिंग द कश्मीर पीपल्स या कश्मीर के राजा को भी फोर्स करते थे कि आप पाकिस्तान में आके मिल जाए, एज वेल एज इंडियन ऑल्सो वॉन्टेड कि कश्मीर जो है इंडिया में आ जाए। सो द महाराजा जो कश्मीर थे वो इंडिपेंडेंट स्टेट ही चाहते थे, पर लेकिन जब कबाइल्स ने जब कश्मीर पर अटैक करा तो जो महाराजा थे उन्होंने इंडियन जो गवर्नमेंट थी उनसे हेल्प मांगी और उनसे ये कहा गया कि आप जो सेना है आप जो आर्मी है वो यहाँ पे भेजे ताकि जो ये कबायली जिन्होंने अटैक किया है कश्मीर पे इनसे हमें छुटकारा मिल सके। तब उस दौरान जो इंडियन गवर्नमेंट जो थी उन्होंने अपनी आर्मी सेंड की और कबालीस को वहाँ से हटाया, तो उस वजह से महाराजा जो थे उस समय कश्मीर के उन्होंने इमरजेंसी गवर्नमेंट जो थी वो अपॉइंट किया, वहाँ पर शेख अब्दुल्ला को वहाँ का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया। ओके उसके बाद जो न्यू गवर्नमेंट आई तो इसको बहुत सारे सिंपथीज मिल, जो न्यू गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई पाकिस्तान में मीन्स अभी तक जैसे हम जब सेक्शन हम 376 पढ़ रहे थे तो उसमें यही था कि वहाँ पर उनकी अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ऑल दो वहाँ पर इंडियन आर्मी वहाँ पर डिप्लॉयड रहेगी, इंडियन उनको यू नो फाइनेंशियली उनको हेल्प करेंगे, पर लेकिन उनकी खुद के अपने कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कोई दूसरा बाहर अदर जो स्टेट्स जो इंडिया के हों वहाँ पर आके परमानेंटली सेटल नहीं हो सकते। ऐसे बहुत सारी डीड्स साइन हुई थी जिसके तहत ये हुआ था कि कश्मीर जो है अब एज एन यूनियन स्टेट्स के तौर पर काम करेगा, लेकिन उसके अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। इसके बाद जो पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट थे उन्होंने काफ़ी अपोज किया, काफ़ी सारे उन्होंने इंटरनेशनल इशूज़ क्रिएट किए। उसके बाद जो पाकिस्तान जो थे उन्होंने अपना फुल सपोर्ट किया कबालिस जो थे उनका गवर्नमेंट ऑफ की आप कबालिस को उन्होंने वो उकसाया कि आप कश्मीर को छीनने की कोशिश कीजिए, हम हमारे को पूरा सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया कि आप जो एक कबालिस जो जिन्होंने कश्मीर पर अटैक किया था आप उनको सौंप दीजिए, आपका कोई राइट नहीं है ऐसा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है ओवर द ईयर्स चलती आ रही थी, इनफैक्ट आज भी इन द मॉडर्न डे हम देखते तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं रिलेटेड टू द कश्मीर। 1/3 ऑफ द कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के पोर्शन वाले हिस्से में है एंड 2/3 जो कश्मीर है वो इंडिया वाले पोर्शन में है, जिसको कि हम जो पाकिस्तान वाले जो कश्मीर होते हैं उसको हम POK बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ओके हालांकि जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो तो हमारे इंडियन यूनियन के हिसाब से एक्सेप्ट कर ली गई थी, बट लेकिन इन द रिसेंट ईयर्स उसको भी हटा के डिसॉल्व कर दिया गया, जो भी वहाँ पे धाराएं लगी हुई थी। और एज जो जम्मू एंड कश्मीर जो पोर्शन है वो एज इंडियन यूनियन टेरिटरी के तौर पर एक्ट करता है, उस पर जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरीके से फुल्ली लागू हो सकता है। अब उनका अपने खुद का कोई इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ जो भी जो डिसीजंस लेने होंगे वेलफेयर के गवर्नमेंट वहाँ पे ले सकती है, यहाँ से कोई भी अदर पीपल वहाँ जाकर सेटल हो सकता है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ओके यहाँ पर हमने ये जो हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट जो वाला चैप्टर था जिसमें हमने फ्रीडम मूवमेंट्स के बारे में जाना,
मुस्लिम लीग कैसे फॉर्म हुई इसके बारे में जाना, कैसे इंडिपेंडेंस गेन हुई, इंडिपेंडेंस गेन होने के समय का कौन से इश्यूज़ थे, मुस्लिम लीग का क्या डिमांड था, कैसे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, किसने क्या, सर रेडक्लिफ ने जो थे उन्होंने जारी बॉर्डर डिक्रीमेंट की थी कि कौन सी बॉर्डर कहाँ तक, कौन सा वाला पोर्शन पाकिस्तान में जाएगा, कौन सा वाला पोर्शन इंडिया में आएगा। ओके, यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।